चारगाह भूमि पर निजी शिक्षण संस्था का बना भवन, जिला शिक्षा अधिकारी से ग्रामीण कर रहे हैं जांच की अपेक्षा। शिवनी जिले के बंडोल अंतर्गत बीसावाड़ी गांव में शासकीय चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग बना दी गई। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग पर प्राइवेट स्कूल संचालित किया जाने लगा है, जिस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। नियम अनुसार शासकीय भूमि पर बने किसी भी भवन पर प्राइवेट स्कूल संचालित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती, पर बंडोल स्थित बीसावाड़ी गांव में स्कूल संचालक ने अधिकारियों के साथ साठगांठ कर स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और स्कूल संचालन भी करने लगा। इतना ही नहीं, शासन के बनाए RTE के तहत अध्ययनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद स्कूल संचालन द्वारा पालक को वापस कर दी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन किस आधार पर किया गया और नियम विरुद्ध स्कूल संचालन को लेकर जिला शिक्षा विभाग क्या कार्यवाही करता है, यह देखने वाली बात होगी। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। मैंने ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट के जो संचालक मिस्टर आनंद राय है, प्राचार्य वो स्कूल, तो उनके खिलाफ चार शिकायत किया है। तो पहली तो ये कि सरकारी ज़मीन पर अवैध स्कूल बनाकर, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके स्कूल बनाए और पिछले 6 साल चल रहा है, जबकि RTE नियम के अनुसार किसी भी सरकारी ज़मीन पर स्कूल को मान्यता नहीं मिलती। कैसे कैसे ये 6 साल से चल रहा, कैसे इनको DO सर या BRC महोदय ने मान्यता दी है, ये आप जाँच कीजिए। और फर्जी कागज़ लगा कर इन्होंने मान्यता लिया है। ये ज़मीन जो 332/1 में आती है, 332/1 में स्कूल बनाया, लेकिन इन्होंने पेपर लगाया है 345/2 का आवासीय पट्टा लगाया, उस आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने मान्यता लिया है। ये दूसरी कंप्लेंट। और तीसरी कंप्लेंट ये है कि RTE वाले बच्चों से पैसे लेते हैं, जबकि RTE वाले बच्चों से पैसे लेने का नहीं है। RTE कैटेगरी में जिन बच्चों को एडमिशन होता है स्कूल में, वो 25% बच्चे, उनकी फ़ीस सरकार देती 4,500 रुपये एक बच्चे के लिए, लेकिन ये 4,500 रुपये सरकार से भी लेते हैं और बच्चों से भी टॉर्चर करके 2,000 रुपये 2,500 रुपये लेते हैं हर साल। तो इस प्रकार ये डबल फ़ायदा लेते हैं। और चौथी कंप्लेंट ये कि प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी महंगी किताब बेचती है, वो मेरे पास रखी, मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है ना। जबकि सरकार कहती है कि ये NCERT की सरकार किताबें चलना चाहिए सस्ती वाली, जो 200-300 रुपये का आती है मुश्किल से, लेकिन ये महंगी महंगी किताब चलाते हैं 1,700-1,800 रुपये की प्राइवेट पब्लिकेशन की, और यहीं स्कूल बेचते हैं। अब किस स्कूल बेचने का नहीं है ना, ड्रेस किताब और बुक्स वगैरह कुछ बेचने का नहीं, ये सब बेचते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लेंट है बस। इसी साल से 2019 में पढ़ रहा था सर नर्सरी में, आशीष भट्टी उसका नाम। इन लोगों ने फीस लिए थे 1,000 लिए थे और एक महीना पहले अभी वापस किए उनने 20 तारीख को 1,000 रुपये दे दिए चेक के माध्यम से। कब वापस किए? एक महीना पहले सर। क्या इसकी शिकायत आपने की थी या फिर शिकायत किए थे तब वापस? शिकायत करने के बाद वापस। मैं हाई स्कूल बीसावाड़ी के अंतर्गत अधीनस्थ एक प्राइवेट संस्था है, उसकी जांच करने आया हूँ मैं। शिकायतकर्ता के द्वारा जो भी शिकायत की गई, उन्हीं बिंदुओं के तहत हमने लिखित उनसे जानकारी मांगी गई है, अतः उसी के आधार पर पालन प्रतिवेदन 1-2 दिन में हम दे देंगे। सर, शिकायतकर्ता के द्वारा क्या शिकायत की गई थी? शिकायत अधिक फीस ली गई है, इस संबंध में शिकायत की गई थी। सर, शिकायतकर्ता के द्वारा यही बताया गया और अभिभाग के द्वारा कि RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों से राशि ली गई, जब शिकायतकर्ता ने शिकायत किया उसके बाद वापस की गई है, क्या ये नियम के तहत सही है? नहीं, RTE के अंतर्गत फीस तो नहीं लगने चाहिए, चूँकि पाल ये संचालक के द्वारा स्वीकार किया गया है कि धोखे से कर ली गई है, तो वापस कर दी जाएगी। कुमार राय, ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट बीसावाड़ी। संचालक शिकायतकर्ता अनिल राय के द्वारा शिकायत कराई गई थी बच्चों को लेकर, बच्चों के पेरेंट्स को लेकर, जो कि उन्होंने एक नया स्कूल खोला है उसके द्वेषवश वो शिकायत कर रहे हैं, पेरेंट्सों को कोई शिकायत नहीं। ये भी शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों से आपके द्वारा राशि ली गई है। RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों के द्वारा मुझे कोई भी स्कूल फीस मैंने नहीं ली गई, लेकिन शिकायतकर्ता के द्वारा रसीद भी प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता की जो रसीद है वो फैक्ट के अकॉर्डिंग में चेक करके और उसमें जो भी सही है गलत है रसीद है वो मैं जमा करवा। आपकी शाला में कुल कितने बच्चे RTE नियम के तहत अध्ययन करते हैं? मेरी शाला में 40 बच्चे RTE नियम के तहत अध्ययन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।